Hello students, welcome to my channel Explore English with Archana and I am your mentor, the content creator, your Archana ma'am. Pilamane, ame 2021 o 22 shikha barshara utthana patho arambha kari sarileni. Asha karuchi tume mane bhalo bhabare patho ko bujhuthibo au nijara bahire madhya seguriku karuthibo. Au gote tume manako pai chotiya request. दयाकर जदि चैनल टी को नुआ करी आसी अछ ताहाले चैनल टी को सब्सक्राइब कर लियो एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्ये प्रेस कर लियो काहे कि ना मो जते बळे भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करबे तुम मनक पाखरे पहुंच आ गोटे जिंस लाइक करिया को भूलो नाही शेयर मध्ये तुमरा संग मानक सहित जते परिचय कर काहे कि ना समस्त को पाखरे जमिति वीडियो टी पहुंचो समस्त उपकृत होवंतु आउ मध्ये बटे छोटिया रिक्वेस्ट जो कमेंट सेक्शन रे बटे छोटिया कमेंट दे करि लियो तुमरो जहा भी असुविधा अछि से कमेंट सेक्शन रे मते जणा मो निश्चय ताको दूर करिया पई चेष्टा विदाउट एनी डिले Let's get started. कार्य फॉर द 18 दत्त भग्न संख्यार सम भग्न संख्या निरूपण करिवो प्रकृत अप्रकृत भग्न संख्या सदृश असदृश भग्नांश चिन्हट करिवा अच्छा एक दत्त भग्न संख्यार लब होउची 1 ताले सेटा हला एकक भग्न संख्या भग्न संख्यार हर लब ठारु बड ताले से हला प्रकृत भग्न संख्या भग्न संख्यार हर लब ठार स्थान ताले सेहला अप्रकृत भग्न संख्या दुईटी भग्न संख्यार हर जदि समान हैला ताले सदृश भग्न संख्या दुईटी भग्न संख्यार मूल्य समान हैले सम भग्न संख्या ठीक अछि त एबे चलो एक नंबर करिबा एक नंबर दत्त सारणी को अनुध्यान करी निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख जेउ भग्न संख्यार लब 1 ताहाकु एकक भग्न संख्या कहा जाए आम एवं सारणी देखिले जे एक दत्त भग्न संख्यार लब जदि 1 हला ताहले सेटा हला एकक भग्न संख्या तो ये लिखनावा एकक भग्न संख्या दुईटी भग्न संख्यार मूल्य समान हेले सेमानंकु कोन कह जाए ना सम भग्न संख्या बोली कहा जाए तो ये लिखनावा सम भग्न संख्या जेउ भग्न संख्यार लब हर अपेक्षा सान ताहाकु प्रकृत भग्न संख्या कहा जाए गोटे अप्रकृत भग्न संख्या 5 विभक्त 3 ठीक अच्छे अप्रकृत कहेंगे ना भग्न संख्यार हर लब ठारु सान हेले आमे ताको कहबा अप्रकृत भग्न संख्या नहीं हरटा आमर लब ठारु सान देखो ये 3 5 रु सान ताले एक अप्रकृत भग्न संख्या हला दुई विभक्त 5 एवं 3 विभक्त 5 परस्पर सदृश भग्न संख्या काहे कि सदृश ना सदृश भग्न संख्या का को कहबा जहार हर समान से हला सदृश तार आर हर दुटा जक समान अछि 5 तले एटा हला सदृश भग्न संख्या दुई विभक्त 5 समान 4 विभक्त 10 उक्त भग्न संख्या दुईटी कि भग्न संख्या ना सम भग्न संख्या काहे कि ना दुईटी भग्न संख्यार मूल्य समान ठीक अछि तबरे दुई नंबर उदाहरण देखि मो साथी बा सदृश भग्न संख्या जोड़ी को एकाठी कर दि अच्छा ये सब अलग अलग अच्छे एकाठी करदे सदृश जोड़ी करदे सदृश जोड़ी हेले आम कौन हम सदृश भग्न संख्या हेले ना जदि हर सामान ताले से हेला सदृश भग्न संख्या तो आमको गोटे करके देखे दिखाई देख 3 विभक्त 10 और 7 विभक्त 10 से ही 1 विभक्त 3 तापर 2 विभक्त 3 तो ये से लिखनावा 1 विभक्त 3 और 2 विभक्त 3 चार विभक्त 5 पुणी आउ कहार 5 अच्छे ना 3 विभक्त 5 4 विभक्त 5 और 3 विभक्त 5 6 विभक्त 7 और 5 विभक्त 7 4 विभक्त 9 और 1 विभक्त 9 ये सदृश भग्न संख्या बा सदृश जोड़ी कहीं ना सब हर सामान जार जार हर सामान से हेले जोड़ी है तो ये चलो नेक्स्ट पेज को जी तीन नंबर उदाहरण देखि असदृश भग्न संख्या टी कोठरी मध्य लेख अच्छा ए मानक भितर केउटा असदृश ताको आमे कोठरी रे लेखिबा गोटे आमको करके देखे दिया होई छि देखो 1 विभक्त 4 1 विभक्त 3 2 विभक्त 4 3 विभक्त 4 सब रो 4 अछि हर किंतु एटा अलग अछि ताले एटा आमे एथि लेखिनाबा असदृश भग्न संख्या 1 विभक्त 3 तो से भि 1 विभक्त 5 3 विभक्त 7 2 विभक्त 5 3 विभक्त 5 तो ये 7 अच्छे ये अलग अच्छे तो 3 विभक्त 7 ये लिखने 1 विभक्त 6 2 विभक्त 6 3 विभक्त 6 4 विभक्त 7 ये असदृश ताल लिखा 4 विभक्त 7
2 विभक्त 9, 3 विभक्त 9, 4 विभक्त 9, 5 विभक्त 8। एटा अलगा तो 5 विभक्त 8 એટલે કે નવા 1 विभक्त 6, 3 विभक्त 6, 4 विभक्त 7, 5 विभक्त 6। तो एटा अलगा कोटा ना 4 विभक्त 7, तो એટલે કે નલે 4 विभक्त 7 हे गला। तो अब चलो 4 नंबर को जीबा। चारि नंबर सारणी रे प्रदत्त उदाहरण भली प्रत्येक भग्न संख्यार सम भग्न संख्या निरूपण कर। अच्छा भग्न संख्यार आम सम भग्न संख्या निरूपण करवा। एक विभक्त दुई रोनोटी भग्न संख्या सम भग्न संख्या दे दे देख दुई विभक्त चार तीन विभक्त छ चार विभक्त आठ केमती है ना। देख दुई को चारे काटा दुई को पड़ी गए दुई के दुई दुई दुने चार एक विभक्त दुई है तीन विभक्त छः सेमती तीन के तीन तीन दुने छः एक विभक्त दुई है चार आठ चार के चार चार दुने आठ होगा। तेल ये तीनोटी समभग्न संख्या से ही भली एक विभक्त तीन रुई विभक्त छः तीन विभक्त नौ चार विभक्त बार देखनी कमी ना दुई को पणिक दुई के दुई दुई तीन छः एक विभक्त तीन होगा। तीन को पणिक देख तीन के तीन 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 नौ एक विभक्त तीन चार बार चार के चार चार तीन बार एक विभक्त चार तार समभग्न संख्या दुई विभक्त आठ तीन विभक्त बार चार विभक्त षोल है केमती देख दुई दुई को पणिक देख दुई के दुई दुई चौ आठ एक विभक्त चार तीन को पणिक तीन के तीन तीन चौ बार एक विभक्त चार चार के चार चार चौ षोल होगा। दुई विभक्त पाँच तार तीनो भग्न संख्या है चार विभक्त दस छः विभक्त पंदर आठ विभक्त कोड़े से भाई देखनी दुई कपणिक दुई दुने चार दुई पंचा दस दुई तीन छ सरी तीन दुने छन पंचा पंदर ये चार दुने आठ चार पंचा कोड़े होगा। दुई विभक्त पाँच रनो समभग्न संख्या तो ये सहित आम कार्यपद 18 सरीगला। जदि तुमको भिडियोटी भल लगी लाइक टे कर कमेंट सेक्शन में मते कमेंट करी मध्य जनाओ ठीक अच्छे। और जदि तुम चैनल टी नुआ कर चैनल टी सब्सक्राइब मध्य करनी एवं पाखे थी बेल आइकन को मध्य प्रेस करनी कहीं जिते भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी तुम मानक आग नोटिफिकेशन पहुँची आउ तुम्हें आगे देखी नब। आदि तुम कौ वीडियो पाओ ना तो प्ले लिस्ट को जाओ प्ले लिस्ट रु सबुजाक वीडियो मोर पाइज इवन आम एवं इंग्लीश टेक्स्ट बुक वीडियो अपलोड हो ताकू मध्य जाए तुम सेठ देखिपर ठीक अच्छे। तो आज ये रहा पुणी देखा परवर्ती क्लास रे टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड कीप लर्निंग।